31 विधानसभा की सपा की संभावित उम्मीदवार मोनी कुमारी अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज बेजोई में होने वाले क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। साथ ही क्रिकेट मैच आयोजकों को धनराशि देकर उनका हौसला बढ़ाया। सपा के संभावित उम्मीदवार मृदुभाषी और लोकप्रिय मोनी कुमारी तकित जनसंपर्क अभियान के तहत कई गाँवों का दौरा किया और चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जाना, उनकी बातों को सुना। इस अवसर पर मोनी कुमारी तकित से बातचीत करते हुए बताया कि आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है। दिल्ली में किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आज किसान दुखी और लाचार है। प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार में ना किसान सुखी है और ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं। आज जरूरत आन पड़ी है कि हमें एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश में खुशहाली का माहौल होगा। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत मोनी कुमारी ने दरगाह के निर्माण के लिए 15,000 दान दिए और लोगों का आशीर्वाद लिया। उनकी बातों को सुनने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर मोनी कुमारी गांव के वृद्ध और लाचार महिलाओं को पास बुलाकर उनका हालचाल जाना और उनका दुख दर्द बांटा। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद तकीर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश में कोई भी महफूज नहीं है। किसानों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ उसे समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे मौका देते हैं, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जनता की सेवा करूंगी। और जो चंदौसी के अंदर जो जितना भी गलत भ्रष्टाचारी चल रही है मैं उसे ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूंगी और 31 विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाने का कार्य करूंगी। अच्छा, आज आपने दरगाह शरीफ पे जाके क्या कहा था? कुछ टूर्नामेंटों में आपने लोगों को जीतने वाले खिलाड़ियों को और वहाँ के चंदौसी विधानसभा के जहाँ भी कोई ज़रूरत होती है, चाहे वो दरगाह शरीफ होए या मंदिर होए या युवाओं को कहीं ज़रूरत होती है, जैसे आज क्रिकेट टूर्नामेंट था तो हमने 3 जगह पैसे दिए थे। 1 जगह 17,000 रुपये दिए और 2 जगह 51,500 रुपये देने का काम करा था हमने। लगातार हम जनता के बीच हैं और हमें मोनी कुमारी जी को अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेवा का मौका देते हैं तो ये नंबर 1 विधानसभा बना के छोड़ेंगे। यहाँ से भ्रष्टाचार लूट सारा ख़त्म कर देंगे, सिस्टम से काम चलेगा, कार्यकर्ता का सम्मान होगा। हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, हम जमीन पर काम कर रहे हैं। किसी को एहसास नहीं होगा कि मोनी कुमारी, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में आगे भी काम करेंगे अगर मौका मिला तो।